सब्सक्राइब करें मेरे सिंधी ट्रैवलर चैनल को और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। इस वक्त मैं साहिल जो है बाकू का, ये बेसिकली मेन सिटी है, इनका सेंटर है और यहाँ पे काफ़ी इन्होंने तफरी की जगह बनाई हुई है। तो अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ बेसिकली ये एक पार्क है और ये सामने मेरे बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पीछे ये देखें सामने समंदर है, मैं आपको उस तरफ भी लेके जाऊँगा। लेकिन ये जो पार्क है इन्होंने ये बनाया है, काफ़ी अच्छा पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है और ख़ूबसूरत भी है, तो लोग यहाँ पे बड़ा आते हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगी यहाँ पे कि ये जो समंदर है इनका, वो उसका पानी जो है वो मतलब के डीप ब्लू नहीं है जैसे नॉर्मली ब्लैक और ब्लू होता है। तो ये सामने कैस्पियन है मेरे ख्याल में, और हवाओं का शहर कहते हैं बाकू को, बहुत हवा चल रही है, मौसम यहाँ पर अच्छा है। ये जो जो मंथ है जुलाई अगस्त, तो इसमें जो है सर्दी तो नहीं होती लेकिन टूरिज़म के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है अरब लोग, सऊदी अरब से, दुबई से, इजिप्ट और दूसरे एरिया से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो काफ़ी घूमने के हिसाब से अच्छा। लोग कहते हैं कि महंगा है लेकिन मैं समझता हूँ तो बहुत चीप है। अगर आप जो है घूमने के लिए आ रहे हैं 8 से 10 दिन के लिए तो आप 50 to 60 thousand में आ सकते हैं, मतलब टिकट उसके अलावा होगा तो 50 to 60 thousand में आप इसको बड़े अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, अच्छा खा पी सकते हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, क्या कहते हैं समंदर में। तो वही अगेन के जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मैं आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोबारा शुएब आपको वेलकम कहता है अपने चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है हमारा अज़रबैजान की बाकू सीरीज़ चल रही है, तो जिन जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और हिट करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियोस जो है उनके सारे दोस्त इन्जॉय कर सकें। इस वक्त जो है मैं बेसिकली साहिल जो है बाकू का एक एरिया है जो इनका ओल्ड सिटी है वहाँ पर है ये, और उसके साहिल के ऊपर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे सामने आप देख रहे हैं कि जो इनके बाकू टावर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और साथ में ये इनकी कोस्ट लाइन है और ये आप देख सकते हैं, मेरे साथ एंजॉय करें। और साथ में बाकू आके मुझे ऐसा लगा कि बाकू जो है ओल्ड बाकू स्पेशली वो लंदन का लुक देता है, और यहाँ पे जो ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं तो वो बिल्कुल ही पुराने और वो इस तरीके से नज़र आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये थोड़ा सा, अब मैंने जो देखा है नोट किया, ये शॉपिंग के हवाले से एक्सपेंसिव है, चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं और यहाँ पे एंड ऑफ समर ही है, तो ये एंड ऑफ समर है तो यहाँ पे वैसे 50% ऑफ की ऑलमोस्ट सारी शॉप्स के ऊपर 50% ऑफ की वो सेल जारी है। तो बड़ा अच्छी हवा, ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। वैसे तो यहाँ पे 32-34 डिग्री सेल्सियस डिग्री है इस वक्त जो जो मौसम है, लेकिन गर्मी वो नहीं है जो हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ तो अगर वो 30 पे आ जाता है तो फिर तो पसीने ऐसे बहते हैं कि पता ही नहीं चलता, लेकिन आप देखें। अच्छा, बाकू की बड़ी ये चीज़ है कि ये हिली एरिया के ऊपर है। अब ये सामने देखें कि सामने जो है हिली एरिया है और ये बाकू टावर्स, फ्लेम टावर्स भी इन्हें कहते हैं, और साथ में बाकू के फ्लेम टावर्स के बिल्कुल साथ में अगर आप देखें तो ये उनका अज़रबैजान की